हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय माँ भवानी जय माँ काली। साथियों बोलो, जैसे आप लोग जानते हैं इस चंपावर राजधानी में लोग मुझे डाकू गीता के नाम से जानते हैं। अगर किसी ने साला मुझसे दुश्मनी किया तो हराम जादे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी ने मेरी तरफ आंख दिखाया है तो हराम जादे की आंखें निकाल ली। अगर किसी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया है तो हराम जादे हाथ काट ली। लेकिन आज आप जानते हैं कि ये किसका अड्डा है? ये हमारे डाकू भयंकर सिंह का अड्डा है और उनके आने का समय हो चुका है। अपनी अपनी बंदूकें तैयार करो और उनके आने का समय हो चुका है। अपनी जगह पर तैनात हो जाइए। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। साथियों बोले सरदार जी। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। डाकू गीता बोले सरदार जी और जग्गा धौलिया, आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है। हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पर ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों बोलिए सरदार। समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे। क्यों नहीं सरदार? लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं, जिस तरह आज हमें इस रास्ते पर चलने से मजबूर कर दिया है। कौन कर दिया है? कमीने बादल सिंह ने। क्या? बादल सिंह ने? हाँ। लेकिन सरदार जी आपके साथ उसने क्या सलूट किया बोलिए। देखिए गीता। बोलिए सरदार जी। देखो ये बताने का समय मेरे पास नहीं है। अच्छा सरदार जी। ये कहानी मैं तुम्हें और कभी बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हमें क्या करना है? क्या करना है वो सुनो। अवश्य बोलिए। और चंबा चंबा का युवराज हो और डाकू बना हुआ जो चंबा का युवराज हो डाकू बना हुआ जे, और बनकर डाकू भी रखूं और पिता बचन की लाज बनकर साथियों। सरदार जी समय बहुत कम है लेकिन सरदार जी काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आओ आज हम चंबा राजधानी चलेंगे। आज बादल सिंह अगर हमें मिल गया तो आज बादल सिंह का नामो निशान इस दुनिया से। क्यों नहीं सरदार जी, लेकिन चलने से पहले गीता मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या ख्याल है तुम्हारा? सुनिए सरदार जी। कि सबकी बंदूक में है आर भरी गोलियां, सबकी बंदूक भरी गोलियां, राह देखते हैं छूटने के लिए मेरे सरदार जी। अरे देर कीजिए जल्द चलिए उसे मार।
कहिए सरदार जी। ठीक है, हमें तुम्हारा हौसला बुलंद लगता है, हम अपने काम में कामयाबी जरूर पाएंगे। आओ हमारे साथ, हम इसी वक्त चंबा राजधानी चलते हैं। चलिए सरदार जी। चलो हमारे साथ, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, आओ हमारे साथ। माल पानी जी मंत्री जी, साहिबाई का वो नजारा देखकर मैं दंग रह गया। हाँ हाँ सरकार, क्या एक तुच्छ लकड़हारा साई साइन को छूने की जरूरत कर बैठा। और का सरकार, आज एक तुच्छ लकड़हारे ने ऐसी हिमाकत की है, अगर इसे रोका नहीं गया तो चंबा का हर शख्स ऐसी हिमाकत कर बैठेगा। और का सरकार, इस हराम जादे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए सरकार। जिसे देखकर चंबा राजधानी का कोई भी शख्स सर ना उठा सके। क्या नहीं सरकार? माल पानी। हाँ सरकार। उस लकड़हारे के झोपड़े पर चलने की तैयारी करो। ठीक सरकार। आओ मेरे साथ। चलिए सरकार। का बताई भैया, हमार बेटवा राजू लकड़ी काट रहा है, अभी तक वापस नहीं आवा। शाम होने वाली है, आओ अपने बेटवा का हम इंतजार करी थी। कहाँ है मेरी इज्जत का लुटेरा? आज मैं उसे सबक सिखा कर ही जाऊंगा, इसलिए आया। मंत्री जी आप? हाँ मैं। तुझे पता है कि मैं यहां किस लिए आया हूं? नहीं, मुझे तो नहीं है पता। मंत्री जी मेरे द्वार पे कैसे आए आप? मंत्री जी मेरे द्वार पे कैसे आए आप? मुझसे या मेरे लाल से हुआ कोई क्या पाप? तेरे बेटे ने वो किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और होकर भिक्षुक द्वार का बनता है गौतम। और होकर भिक्षुक द्वार का और बनता है गौतम बुद्ध, और छू कर साई शान को तूने है क्या? हराम के बोल, तेरा बेटा कहाँ है, उसे बुलाओ। मंत्री जी हमारा बेटा लकड़ी काटने गया है, अभी तक वापस नहीं। झूठ बोलता है। मैं सच बता रहा हूँ। तो कैसे शान में बाजी औकात भूला?
पांच औकात भूला और झुला दूं तुझे मौत का आज झूला। मंत्री जी नहीं, मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ, नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ और मुझे मुझे मेरी गलती से अवगत कराओ। गलती अगर गलती की होती तो बादल सिंह माफ कर देता, लेकिन तेरे बेटे ने गलती नहीं की है, पाप किया है और पाप की सजा है मौत। जानना चाहता है तो सुन, और तेरा उठ गया दुनिया से आबोदा। दाना और पड़ेगा तुझे आज दुनिया से दाना। तो मेरी बेटी से तेरा बेटा है मिलता, ये खता किया है तेरे बेटे ने, साई साध को छूने की जरूरत की है, हिमाकत की है, हराम। मेरी बेटी से तेरा बेटा है मिलता, मिटा दूं तुझे आज दुनिया से थाना। बेटा कहाँ है? मैंने तो बताया कि हमारा बेटा लकड़ी काटने गया है। अगर तूने सच सच नहीं बताया तो तू धरा पर खड़ा नहीं, धरा पर पड़ा ना जाएगा सारा। नहीं मंत्री जी। बताता है या मार दूं गोली तुझे, बताया कहाँ है? मैं सच बताया हूँ। खतावार वो है, सजा भी उसे मिलनी चाहिए। अगर तू अपने बेटे को बचाना चाहता तो ये नहीं। राजू बेटा, बाबा, राजू बेटा, बाबा, राजू बेटा, बाबा, मैं आपका बेटा राजू नहीं, बल्कि मैं चंबा का युवराज, मेरा नाम भारत है बाबा। लेकिन बाबा, आपको आपको किसने मारा है बाबा? चंबा के युवराज, मुझे मारने वाला मंत्री बादल सिंह है। चंबा के युवराज, हमारा बेटा राजू अगर आए तो उसे
बता देना कि वो हमारा सगा बेटा नहीं, बल्कि एक बार हम जंगल में लकड़ी काटने गए थे और उसी जंगल में उसको पाया था और उसके गले में एक लाकिट है, जरूर उसके खानदान परिवार की निशानी है। हाँ चंबा के युवराज, यही हकीकत है। दादा कहे सरदार जी, देखा क्यों नहीं, हमें जिस बात का डर था आखिर वही बात सामने आ गई। क्यों नहीं, इसी तरह वो बादल सिंह इस चंबा में जुर्म ढा रहा है, हमारी प्रजा को, हमारी रैयत को सता रहा है। क्यों नहीं गीता, बोले सरदार जी, अगर हम लोग इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं, सुनो अभी बादल सिंह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आओ उस हराम जादे का पीछा करते हैं सरदार जी, और उसके बाद उस हराम जादे का नामो निशान मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, आओ हमारे साथ। भैया मालपानी। हाँ भैया, राजू भैया। चलो बापू को बुलाओ और दवाई खिलाया जाए। हाँ भैया, चलो चलते। भैया मालपानी, ये बापू को क्या हो गया? मेरे बापू कहाँ को सिधारे, कौन नैया करेगा किनारे, मेरे बापू कहाँ को सिधारे, कौन नैया करेगा किनारे। मुझको छोड़ा है किसके सहारे, कौन नैया करेगा। भैया, हाँ भैया, बापू की सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं था, और आज बापू का सहारा भी मुझसे छूट गया। हाँ भैया, अब मैं क्या करूं भैया, मैं क्या। रहो ना भैया, काका के लाज ले चलो, दफनावा जाए भैया ये तो। चलो भैया, बापू की लाश को ले चलते हैं, क्रिया कर्म किया जाए। हर दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। क्या बताऊं, जब से राजू मुझे मिला है एक पल के लिए चैन नहीं आता, और राजू मुझसे वादा करके गए थे कि मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन अभी तक राजू आए नहीं, ये जुदाई मुझसे सही नहीं जाती। कहाँ हो राजू,
कि सभी को खुदा की खुदाई ने मारा। कहाँ हूँ राजू, तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार जुदाई ने मारा। ओ, 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 सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। नादान लड़की, नादान लड़की, तुझे मालूम नहीं कि ये बीड़ा है, यहाँ जंगली जानवर और डाकुओं का खौफ है, तुझे डर नहीं लगता? मुझे डर लगेगा, जबकि मैं अपने ही बगीचे अपने ही रियासत में टहल रही हूँ। और साथ तू मुझे नहीं जानता कि मैं मंत्री बादल सिंह की बेटी, लोग मुझे सपना के नाम से जानते हैं। खबरदार, तू है दुश्मन की बेटी और मेरे जान ले, तू है दुश्मन की बेटी। मेरे जान ले, सबक मंत्री को अब मैं सिखलाऊंगा। छीना बेटा है मेरा और तेरे बाप ने, तुझको ले जाके मैं उसको तड़पाऊंगा। तो इसका अंजाम भी सोच लो, जान लो इसका अंजाम भी। सोच लो जान लो, गर मेरे बाप को हो गई ये खबर, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, शीश भुट्टे का जैसा वो देंगे कतर। तो मरने मरने जीने की परवाह हमको नहीं, साथ लेकर तुझे सपना जाएंगे हम। सीने पर गोलियां चाहे खानी पड़े, छोड़ सपना तुझे अपना जाएंगे हम। सपना, मुझे बहुत दिन से बादल सिंह की कमजोरी की तलाश थी, आज बादल सिंह की कमजोरी हमें मिल गई है। आज तुझे उठाकर अपने आहिनी अड्डे पर ले जाऊंगा, लेकिन तुझे ले जाने से पहले मैं तेरे बाप को आगाह कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरे बाप की तरह कायर बुजदिल धोखेबाज फरेबी नहीं हूं। इसलिए आज मैं तेरे बाप को सबसे पहले खत लिखता हूं। महामंत्री बादल सिंह, तुझे मालूम हो कि तेरी बेटी सपना मेरे हिरासत में है। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहते हो तो काली पहाड़ी के पीछे अकेले मिलो, और अगर तुमने किसी को खबर किया तो याद रहे तुम्हारी बेटी नहीं उसकी लाश मिलेगी। तुम्हारा दुश्मन डाकू भयंकर सिंह। ए चुलबुल, क्या बात है सरदार जी? सुन मेरी बात ध्यान से। क्या? ये खत संभाल, ये खत तुझे चंबा राजधानी मंत्री बादल सिंह के पास पहुंचाना है। अरे नहीं सरदार जी, हम नहीं जा रहे। क्यों? इसलिए कि मंत्री जो है बहुत खतरनाक है,
अगर हम पहुंचे चिट्ठी लेके और जान गवा कि ये चोर आए तो हमारी जिंदगी झंडे कही दे। हराम जादे, इतने दिनों से हमारे साथ रहते हो, एक मंत्री से डरते हो। अरे हम चाहें तो हम चंबा राजधानी को धूल में मिला सकते हैं, और तुम एक महामंत्री से डरते हो। तुम्हें एक खत लेकर जाना होगा। सुनो मेरी बात, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम एक खत लेकर जरूर जाओगे। लेकिन सुनो, अगर तुम्हें बादल सिंह से डर है, भय है, तो तुम कोई ऐसा भेष बना कर जाओ कि वो बादल सिंह तुम्हें पहचान न सके, और जब वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा तो वो तुम्हारा बाल तक भी बाका नहीं कर पाएगा। इसलिए ये खत लेकर तुम्हें जाना होगा। ठीक, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम वहां से जीवित बचकर नहीं आओगे। इस लड़की के धमकाने मत आ, ये खत लेकर जा। मगर एक बात सुन ले सरदार जी, चिट्ठी लेके तो जायद है, मुला हमका आना जाने कि माल पानी अब लौट के आई है। माल पानी तुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है तुझे कुछ नहीं होगा। ये खत लेकर जाओ तुम, और सपना तुम मेरे साथ चल मेरे आहनी अड्डे पर। आज जब तेरे बाप को पता चलेगा कि उसकी बेटी सपना भयंकर सिंह के कब्जे में है, तो जिस तरह मैं अपने बेटे के लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, दर बदर ठोकरे खा रहा हूँ, जब तेरे बाप को पता चलेगा कि उसकी बेटी भयंकर सिंह के कब्जे में है, तब उसे पता चलेगा कि एक औलाद का दुख दर्द क्या होता है, एक औलाद के लिए उसके माँ बाप किस तरह तड़पते हैं, तब तेरे बाप को पता चलेगा। सपना चल मेरे साथ, चल सपना।